जनपद में सोमवार को जिला अस्पताल सहित 116 केंद्रों पर 45 साल से अधिक उम्र के नागरिकों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल, बीआरडी मेडिकल, सीएचसी, पीएचसी सहित 116 केंद्रों पर कोविड का टीकाकरण किया गया। उन्होंने बताया कि रविवार को ही 50,000 डोज वैक्सीन आ गई है। सीएमओ ने कहा कि 40 प्राइवेट हॉस्पिटल में भी टीकाकरण किया जा रहा है। मंगलवार को 16,000 लोगों को टीकाकरण कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, सारे लोग 45 दिन पे आ जाइएगा, ठीक है? दो सौ कुछ कोरेज भी करना है, आधा घंटा रुक खाने पीने का नहीं, कोई परहेज नहीं करना है, कोई वैक्सीन मत लगवाइएगा और एक्सरसाइज बिल्कुल मत कीजिए, बुखार पर है। अगर ब्रेस्टेज होगा तो नाउ दैट यू कॉल टू मी सेकंड लगना आज हमारे 145 केंद्रों पर टीकाकरण चल रहा है, जिसमें हमारी सभी सीएससी, पीएससी, हमारे जिला अस्पताल, महिला अस्पताल और बीआरडी मेडिकल कॉलेज और हमारे करीब 40 प्राइवेट हॉस्पिटल्स टीकाकरण में सहयोग कर रहे हैं। आज हमारा लक्ष्य जो है 16,000 से ज़्यादा करने का लक्ष्य है और सभी जगह टीकाकरण चालू हो गया है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन आ गई है। कल ही हमें 50,000 डोज वैक्सीन मिली हुई है और उसके और आने की संभावना है, तो हमारा टीकाकरण का लक्ष्य हमें पूरा होता रहेगा और टीकाकरण अच्छी तरह से होता रहेगा।